अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है फेस ब्लेंडिंग मेकअप पफ पे है, जो कि हम उसको रीयूज़ करने का तरीक़ेकार बताएंगे, उसको वॉश करके हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक बाउल, उसमें हमने नीम गर्म पानी डाल लिया है और अब उसमें हम अपने ब्लेंडर पफ डालेंगे जितने भी हमारे पास हैं। तो ये हम इसमें डाल देंगे सारे के सारे। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे डालने हैं। देखिए कितने ख़राब हो गए हैं ये सारे। जब हम देखें फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो कितना ज़्यादा ये ख़राब हो गए। अब हम इसको रीयूज़ कैसे करेंगे वॉश करके? सबसे पहले हम लेंगे 1 स्कूप सोडा, नॉर्मल जो यूज़ करते हैं हम, सोडा खाने वाला हो या जो भी, वो यूज़ करेंगे। साथ में हम शैम्पू यूज़ करेंगे, आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। 2 स्कूप हमने शैम्पू यूज़ करना है इसके अंदर। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से डिप करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी के अंदर। और 5-10 मिनट बाद आप देखोगे कितना चेंजिंग आ गई है इसमें। ये देखें, ये हमने डिप करके छोड़ देना है और इसके बाद हम एक एक को थोड़ा रैप करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से हमने मल लिया है एक दूसरे के साथ। ये देखें, ये हो गया बिल्कुल साफ। अब हम इसको वॉश करेंगे। ये देखें वॉश कर लिए, कितना बिफ़ोर एंड आफ्टर में फ़र्क है आप देख सकते हैं। बहुत इजी है, 10 मिनट का काम है, आप 10 मिनट में इसको रीयूज़ कर सकते हो। तो आपको कैसी लगी वीडियो? और आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, आपके जो है ब्लेंडर पफ जो है वो रीयूज़ हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।